हेलो एंड वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इससे पहला वीडियो मैंने कंप्लीट किया है प्रेजेंट टेंस के बारे में। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के जितने पार्ट होते हैं उसको स्ट्रक्चर और एग्जांपल के साथ मैंने कवर किया था। आप उस वीडियो को जाके देखें। आज का जो ये वीडियो है वो पास्ट टेंस के ऊपर है। पास्ट टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम इस वीडियो के अंदर ये सारे पार्ट कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। और मैंने जैसा कि पहले भी बता दिया था आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर जो है आप लोगों का पूरा ग्रामर का सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो है ये पास्ट टेंस का पहला पार्ट है सिंपल पास्ट टेंस। मतलब पास्ट टेंस के चार पार्ट होते हैं जिसके अंदर ये जो है सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस। पहचान जैसे हम बता देते हैं कि नॉर्मल इसको पहचानते कैसे हैं सेंटेंस में, आप इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जिस वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, तथा, था, थे, थी इत्यादि लगा हो तो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस सेम जो है वो पास्ट टेंस ही होता है। देखिए, पास्ट क्या होता है? जो टाइम बीत गया हो, ऐसा समय जो आपसे पीछे चला गया हो, वही पास्ट कहलाता है। तो इसमें जो है सिंपल पास्ट टेंस, इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम है। जैसे कि आपने प्रेजेंट, अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो प्रेजेंट टेंस में तो देखते हैं कि हम चार जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें है पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद अफिर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस और फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है यहाँ पे आता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन, जैसे हम पूछते हैं किसी से तो डिड का इस्तेमाल होता है। देखिए, डिड का इस्तेमाल सबके साथ होता है, चाहे आई हो, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सबके साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि मरा हुआ आदमी किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करता। ये पास्ट है, ये बीता हुआ चीज़ है। बीते अगर कोई आदमी का इतिहास बीत जाता है तो सब अच्छा हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि गांव घर में कोई भी इंसान हो, मरने के बाद सब अच्छा हो जाता है। मतलब उसके अंदर कुछ बुराइयां भी होती है तो सब जो है वो अच्छा ही हो जाता है। तो मतलब पास्ट टेंस के लिए चाहे हम, तुम, कुछ भी हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, सब जो है इसके साथ डिड का ही इस्तेमाल होता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा जो है हमारा एफिर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम जवाब देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि डिड हम क्वेश्चन वाले में लगाते हैं कि जब हमको क्वेश्चन करना है, जैसे हमें किसे पूछना है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, तो हम उसे पूछेंगे डिड यू प्ले क्रिकेट। अगर वो बोलेगा कि मैं खेलता था तो वो बोलेगा आई प्लेड क्रिकेट। अब डिड का यूज नहीं होगा क्योंकि डिड का यूज क्वेश्चन में किया जाता है। और जवाब देने में आप सिंपल अगर वी टू इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप जो है सो अपने पास्ट हैबिट के बारे में बता रहे हैं। तो ये अफिर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको मना करना हो, आपको बोलना मैं नहीं खेलता था या मैं कोई काम नहीं करता था, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आप मना कर सकते हैं आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर आप जानते हैं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। तो अब आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ऐसे अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा उसका वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ में हम देख लेते हैं इसमें। जैसे क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते थे, डिड यू रीड इंग्लिश। अब देखो डिड लग रहा है, यू के साथ भी डिड लगता है, मतलब आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि डिड किसके साथ लगेगा, डिड हर के साथ लग जाता है। मतलब किसी भी जो है सो प्रोनाउन के साथ डिड का इस्तेमाल हो जाएगा। डिड यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते थे। मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। देखें यहाँ पे गोज होता है वो वर्ब का पहला फॉर्म होता है, लेकिन वेंट जो है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है। जैसे कि भी थ्री, ई डी ई एन और टी लगा देने से बन जाता है, वो सेम टू सेम जो है भी टू भी जो है वो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द जो वर्ब है उसमें ई डी और ई एन लगा देने से आपका भी टू भी बन जाता है। वह गाना नहीं गाता था, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद है क्या तुम फोन नहीं चलाते थे, डिड यू नॉट ऑपरेट द फोन। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर लिखा गया था इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसका मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे लिख दिया। तो आप इन सारे एग्जांपल को देख सकते हैं और इसको आराम से आप कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर याद रखें, पहचान याद रखें, तो आप जो है इजिली जो है इसके क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब आइए हम दूसरा बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तथा हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि लगाए हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान है कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे किसी भी ट्रांसलेशन में या किसी भी सेंटेंस के अंदर।
तो देखिए फिर से हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जैसा हमारा चल रहा है। तो देखिए सबसे पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपको एक बार बता दूं कि वाज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है। तो देखिए वाज जो है वो हमेशा लगता है आई ही सी इट और नेम के साथ, नेम के साथ। और वर जो है वर, थोड़ा सा इसको मैं पीछे कर देता हूं, इट और नेम के साथ। और वर जो है वो लगता है वी यू दे। अगर आपको ऐसे जानना है तो आप इसको समझ सकते हैं कि वाज हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ, और वर हमेशा लगता है प्लूरल के साथ। इसमें यह है कि आप देखते हैं कि आई भी जो है सुवाज वाले में आ रहा है, तो आई सिंगुलर है तो सिंगुलर वाले में ही आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा था तो ये प्लूरल वाले के साथ लग रहा था, मतलब डू के साथ लग रहा था, लेकिन इसमें जो है आई वाज के साथ ही लग रहा है, आई वाज और वी यू दे के साथ वर का इस्तेमाल होता है। फिर एफिर्मेटिव सेंटेंस आता है जिसमें है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एफिर्मेटिव जब हम किसी चीज़ का आंसर देते हैं वो एफिर्मेटिव, क्योंकि अब बताने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इसको पूरा वीडियो अगर देखते आ रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं पहले भी बता दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में के टाइम भी बता दिया था कि देखिए जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा ना उसके अंदर वी फॉर लगेगा ही लगेगा, तो इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। देखिए पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसा स्ट्रक्चर लिखा गया उसी हिसाब से मैंने जो है एग्जाम्पल भी सेट किया है, तो कुछ एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। क्या तुम किताब पढ़ रही थी, वर यू रीडिंग अ बुक। उसके बाद है देखिए इसको वेयर नहीं पढ़ना, इसको वर ही पढ़ेंगे आप लोग। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ये क्वेश्चन था, उसका ये आंसर, मतलब ये इंट्रोगेटिव ये अफिर्मेटिव है, इसका नहीं था क्या तुम किताब पढ़ रही थी, तो ये अलग है, सेंटेंस अलग अलग है, लेकिन आप अफिर्मेटिव इंट्रोगेटिव ये सब आप समझते जाए। वह खाना नहीं बना रही थी, निगेटिव सेंटेंस है, सी वॉज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, उसके बाद चौथा हमारा क्या, वह गाँव नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग टू विलेज। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा या था, इथी, एथे इत्यादि लगा हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस के आपने पहचान यहाँ पे देख लिया, थोड़ा सा आप जो है सो आपको बताने में थोड़ा हमें भी इजी होगा, क्योंकि आप जो है आप पूरा देखते आ रहे हो, तो इसको आप समझते चलिए वन बाय वन करके। तो देखिए फिर से स्ट्रक्चर का टाइम आ गया। तो स्ट्रक्चर यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा आप कर रहे हैं ये पहचान, और यहाँ पे स्ट्रक्चर शुरू हो गया। देखिए इसमें आता हैड, अभी तक जो है आपने देखा था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें हैज हैव लगता था, अब आ गया हैड। देखिए हैड के साथ कोई इशू नहीं है, ये हर प्रोनाउन मतलब किसी भी प्रोनाउन के साथ इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आई वी यू ही सी इट नेम कुछ भी हो तो आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड जो है ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये पास्ट टेंस है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये मतलब किसी भी प्रोनाउन के साथ लग जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो इसमें आप देख रहे हैं दूसरा एफिर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है पहले जो है सो सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये क्वेश्चन वाला है इसलिए इसमें जो है सो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है हमारा निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो चौथा है वो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसमें आता हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया, अब देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल बहुत ही नॉर्मल दिया जा रहा है मुझे पता है, लेकिन आप जो है जितना भी बड़ा एग्जाम्पल करना चाहे आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, बस आप स्ट्रक्चर सही फॉलो करें। क्या तुम अपना काम कर चुके थे, तो क्या तुम अपना काम कर चुके थे, तो देखिए हैड किसी के साथ भी लग सकता है, किसी भी प्रोनाउन के साथ लगता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तो क्या तुम, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। उसके बाद है वह परीक्षा पास कर चुका था, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम पास कर चुका था, वो परीक्षा पास कर चुका था। मैं घर नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू होम। उसके बाद जो चौथा है क्या वे लोग नहीं खा चुके थे, हैड दे नॉट ईटन। तो ये चारों आप देख रहे हैं बिल्कुल ही सिंपल है, इसका जो है यहाँ पे जो ट्रांसलेशन दिया गया है
ये जो कुछ एग्जांपल देंगे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करके आप कोई सा भी जो है जो एग्जांपल आप बना सकते हैं। बाकी आपका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए एक इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है, जो आपने कुछ इस तरह का सेंटेंस सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए इसको भी बहुत ही जो है सिंपल तरीके से बनाया जाता है। इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं तो आप इजिली इसको बना सकते हैं। तो देखिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख लें। जैसे उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मान लें यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, जैसे आप मान लें कि ऐसा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले क्या होता है ना, तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो दो सेंटेंस वाले हैं इसको जो है, सो इसमें इसके अंदर दो दो सेंटेंस आते हैं, तो इसको आपको कुछ इस तरीके से सेपरेट करना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये देख लें, तो इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर जैसा रहे पहले या बाद में, आने से पहले या आने के बाद अगर कुछ ऐसा रहे तो आप यहाँ पे प्लस में आफ्टर या बिफोर जो चाहे आप लगा सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में रहेगा वही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दें। अगर पहले है डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर आने के बाद, तो आप उसमें आफ्टर बिफोर का मतलब जानते हैं, आफ्टर का मतलब के बाद और बिफोर का मतलब के पहले। और उसके बाद क्या होता है, आप सीधा कहेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला ले बहुत फेमस है, यही सब चलता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। तो देखिए रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है चुका था, चुकी थी वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, तो सबसे पहले आप रोगी को उठा के लाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, जो लास्ट वाला है वो पहले आ जाता है और जो यहाँ वाला है वो बाद में चला जाता है। तो डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर के आने से पहले ये हो गया आने, मतलब जो है ये भी पास्ट में चला गया, तो ये सिंपल पास्ट का यहाँ पे हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये सिंपल पास्ट का देखेंगे तो यही वाला आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये वाला जो है आप इसमें देखते हैं कि ये अभी आपने पढ़ा है, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आप इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि आप मान लो कि जैसे एक सेंटेंस और है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड गॉन अबे बिफोर द पुलिस केम। आप इस तरीके से बहुत सारा बना सकते हैं, जैसे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी या ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, आप इस तरीके क्वेश्चन भी इस पे फिट करके आप इसको बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आप जो है इस तरीके क्वेश्चन भी इसमें आते रहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आइए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तथा हुआ था, हुई थी, हुए थे, इत्यादि लगा हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें थोड़ा सा जो है इसका नेचर, जैसा कि आप पहचान में देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस जैसा ही मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम के साथ इसको बोल दिया जाता है, इसीलिए इसमें जो है थोड़ा सिंस और फोर का इस्तेमाल हो जाता है, बाकी इसमें V4 ही इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि एक टाइम पीरियड के साथ इसको बोला जाता है, एक टाइम के साथ बोला जाता है, इसीलिए थोड़ा सा कंटिन्यूअस से जो है इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं कि पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आता हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें बीन लग ही जाता हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन के साथ साथ इसमें जो V4 वर्ब का जो है चौथा फॉर्म ही लगेगा। दूसरा है अफिर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। उसके बाद जो तीसरा है ये निगेटिव है,
निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर। और हमारा अगर चौथा देखें तो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर। तो आप देख सकते हैं कि आप चारों स्ट्रक्चर को आप देख लिया, स्ट्रक्चर को तो आप देखते आ रहे हैं। अब जो है इसमें कुछ एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं अभी करके दिखाता हूँ। बाकी पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि एग्जांपल आप लोगों के सामने करके दिखाना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी अगले वीडियो में जैसे फ्यूचर बचा तो फ्यूचर का सारा हम उसी तरीके से करेंगे। बाद में मुझे ख्याल आया, तो क्या तुम यहाँ एक महीने से पढ़ रहे थे, क्या तुम यहाँ एक महीने से पढ़ रहे थे। तो देखिए तुम क्या है, यू, यू के साथ हैड लगता है। हैड तो मान लीजिए चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, हर किसी के साथ हैड का इस्तेमाल होगा ही, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या तुम यहाँ एक महीने से पढ़ रहे थे, तो देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हैड यू, थोड़ा सा हैड यू बीन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, हैड यू बीन स्टडिंग, क्योंकि ये पढ़ना है। हैड यू बीन स्टडिंग हियर हियर फॉर वन मंथ। देखें यहाँ पे हमने फोर लगाया क्योंकि इसमें हमको कोई भी कन्फर्मेशन नजर आना, हम कन्फर्म नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है फोर लगाया। हैड यू बीन स्टडिंग हियर फॉर वन मंथ। मैं इस कंपनी में 2012 से काम कर रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2012 से, हमको टाइम फिक्स पता है, तो हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम यहाँ एक महीने से पढ़ रहे थे। हैड यू बीन स्टडिंग हियर फॉर वन मंथ। दूसरा है अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं इस कंपनी में 2012 से काम कर रहा था। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012। अब है तीसरा, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, वह सुबह से निगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग जो है एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि उसको पता है कि सुबह जो टाइम पीरियड हो, जैसे मॉर्निंग इवनिंग और नाइट, इसके साथ जो है सिंस का इस्तेमाल होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या तुम पिछले एक घंटे से नहीं खेल रही थी। तो देखिए तुम लगा हुआ है तो फिर से ऐसा होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है और जो है निगेटिव मना भी किया जा रहा है। तो जैसे कि क्या तुम पिछले एक घंटे से नहीं खेल रही थी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैड यू नॉट बीन प्लेइंग। आपको कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर लास्ट वन आवर। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर लास्ट वन आवर, क्या तुम पिछले घंटे से नहीं खेल रही थी। तो आपने देख लिया कि अगर आप सीधा सीधा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप कोई सा भी जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप देखें कि इस चैनल के अंदर जो है सो आपको सारा 12th का सिलेबस कवर कराया जाएगा, ग्रामर और लिटरेचर दोनों। तो आप इस चैनल के बारे में दूसरे को भी बताएं। थैंक यू।